है कि न्यू हैदरगंज वार्ड का जो प्राथमिक विद्यालय है सरकारी, आप पता कर लीजिए मेरी बात गलत हो, बुद्धेश्वर में चलता है। रही बात पार्क की, रही बात स्वास्थ्य केंद्र की, हम नहीं कहते हैं कि आप बहुत बड़ा अस्पताल बना दीजिए, उसके लिए रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो बुनियादी जो छोटी चीज़ें हैं, जो एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप का वो हो जाए, जितने गरीब को 5 रुपये 10 रुपये की दवा मिल जाए। अच्छा, वो कर रहे हैं। स्वस्थ भारत से कितना संतुष्ट है? कुछ संतुष्ट नहीं है। जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनाया, जो मोदी जी का एक मैजिक पॉइंट था, वो क्या कहते हैं, वो घर कौन सा था, घर वो इज्जत घर, उसमें कंडे भरे जा रहे हैं और एक लात मारो तो घुस जाता है, जाँच हो जाए तो सब जेल में जाएंगे नीचे से ऊपर तक, बहुत भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। मीनू भाई ये बताइए कि जीतने के बाद में, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी होंगी जी, ये बताइए महिलाओं के लिए भी क्या कुछ खास करेंगे? महिला की आधी आबादी है, उनका पूरा राज है, वो तो आगे चलेंगी, मैं पीछे चलूँगा। अगर सौभाग्य है कि उनका उनका टिकट हुआ है, हमको भी सेवा करने का पीछे से मौका मिलेगा। ये बताइए, और अगर एक बात और मैं और बता रहा हूँ, अगर 5 साल बाद ये सीट पुरुष होती है तब भी मैं चुनाव अपनी वाइफ को लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। प्रतिनिधित्व वही करेंगी। वही करेंगी। ये बताइए कि अखिलेश जी के आप बहुत चहेते भी रहे जी, आप कहते हैं कि जो है आप लड़ झगड़ के भी कोई काम करा लेते हैं जी, तो ये बताइए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसमें महसूस कर रहे हैं आप? जिम्मेदारी मेरे पर बहुत महसूस हो गई है, अभी तो मेरे सिर्फ कार्ड बट रहे हैं, मैं प्रत्याशी हूँ, अभी मैं चुना नहीं गया हूँ। एक मेरे वार्ड से आप पता कर लेना, कैमरे वाली गली है SEMO के पास, मैं अलविदा की नवाज में अपने पंपलेट प्रचार कर रहा था, एक मेरा पास फोन आता है लड़की का कि आप दीनू चौधरी बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं बहन मैं दीनू चौधरी बोल रहा हूँ। कह रहे आप मेरे वहाँ देख लीजिए कितना पानी भरा है, कितनी गंदगी में है, कल ईद है तो कैसे हम लोग क्या करेंगे? हमने कहा आप पार्षद से कहो। कहने कि भैया मैं 7 दिन से उनके पास जा रही हूँ और मैसेज देख लीजिए कि मैंने कितने मैसेज किए हैं, कोई सुनवाई नहीं, आप प्लीज़ एक बार आ जाइए। मैं उसकी बात पर पहुँचा तो मैंने देखा कि पूरा पानी घर में पानी जा रहा था, और मैंने तुरंत फ़ोटो खींची। हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मैंने फ़ोटो भेजी और मैंने पूरा वार्ड का लिखा, हमने लिखा सर कल ईद है और ये कैसे ईद मनाएंगे, तो उन्होंने तत्काल आधे घंटे के बाद पूरा सफाई का महकमा भेजा उन्होंने। अच्छा ये बताइए दीनू भाई, और काम कराने का काम किया। सरकार आपकी है नहीं, अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या बजट का इशू अगर आया तो फिर कैसे आप? बजट का इशू देखिए लाने का तरीका होता है, बहुत से माध्यम होते हैं, अगर हमको बजट अगर हम पहले बात तो